कि आपकी जो रीप रैंक है वो आ चुकी है। हाहा आ चुकी है रीप रैंक। कैसा रैंक आया, अच्छा आया, बुरा आया, यू कैन कमेंट वो रैंक इन दिस कमेंट बॉक्स। हालांकि शुरुआत करते हैं शुरू से, पहले भी बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट है भैया, कुछ ही तो कॉलेज है, 4-5 गवर्नमेंट है, 4-5 प्राइवेट है, हमको अलॉटमेंट आएगा कि नहीं आया, हमारा परसेंटाइल 13% है। एंड एक बहुत ही अर्जेंट अपडेट है बहुत सारे बच्चों के लिए, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कॉलिंग मी कि भैया कुछ लोग हैं जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है एंड आपके जो व्हाट्सएप्स है उसमें से कोई नंबर कॉपी कर करके हमको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं, हमको कॉल करते हैं रिगार्डिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। पहले हमको बोला करते थे भैया आप 700 रुपए दीजिए, आपकी काउंसलिंग कर देते हैं, हमारी चॉइस फिलिंग कर दी है। अब हमको बोल रहे हैं कि आप हमें 25,000 रुपए दीजिए, आपका गारंटेड अलॉटमेंट दिला देंगे, MBM, RTU, CTE, प्राइवेट, गवर्नमेंट, कोई से भी कॉलेज है, आपको गारंटेड अलॉटमेंट 25,000 में मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं। अब यार पता नहीं ये कौन कर रहा है, कौन आपको अलॉटमेंट दे रहा है, ये तो मुझे नहीं पता, एंड आई कैन प्रोवाइड एनी आइडेंटिटी ऑफ द रिवील, लेकिन ये सबका सब फेक है। आप अपने पैसे सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करोगे, ऐसा रियलिटी के अंदर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे यार पेरेंट्स के डाउट हम सोल्व कर देते हैं कि क्या सारा सीन रहता है, क्या प्रोसेस रहता है। एक हमारा कॉलेज का जो पूरा डिपार्टमेंट रहता है, जैसे वाइस चांसलर पूरे कॉलेज को चलाता है ऊपर से, उसके बाद में उसके नीचे रजिस्ट्रार सर काम करते हैं, डायरेक्टर होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, मैनेजमेंट होता है, ठीक है। अब जो स्पेशल केसेस में जो केस हैंडल करता है वो वाइस चांसलर हैंडल करता है। अब यार वाइस चांसलर के पास इतनी पैसों की कमी नहीं होती है कि आपको वो 25,000 के अंदर आपको सीट दे दे, 20,000 में सीट दे दे। तो जो भी आपको ये सब ऐसे ऑफर देते हैं, प्लीज बी अवेयर अबाउट दैट, ये सब फर्जी है, ऐसा रियल के अंदर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। खैर हमारा मकसद है आज रीप रैंक के बारे में डिस्कस करना है कि भैया आपको अलॉटमेंट आएगा कि नहीं आएगा, कितने नंबर पर अलॉटमेंट आ सकता है, क्या सारा सीन है। अगर आपको भी एक रीप रैंक अलॉट हो रही होगी, रीप रैंक बोले तो आप रीप में कितने नंबर पर हैं, जैसे आपकी ट्रेन की टिकट होती है ना, वेटिंग लिस्ट में आपको दिखाते हैं कि आप इतने नंबर वेटिंग पे हैं, आपके आगे इतने लोग कैंडिडेट हैं, वैसे ही आपका भी रीप रैंक आपको शो कर रहा होगा। ये आपका जनरल रैंक है या आपका कैटेगरी रैंक है, जैसे आपका जनरल रैंक 5,000 है, आपका OBC रैंक 1,300 है, ठीक है, ऐसा ऐसा आपको कुछ शो हो रहा होगा। अब भैया हमको कितने रैंक पर सीटें अलॉट हो रही होगी, तो यार कुछ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों की बात करें, जैसे MBM है, काफी जाना माना कॉलेज है, RTU कोटा है जिसके अंदर ऑलमोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटियां एंड बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंट गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर राजस्थान के अंदर है, काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है, क्यों, क्योंकि उदयपुर शहर अच्छा है, जिले अच्छे, लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा है, ऐसा नहीं, पढ़ाते भी अच्छा है। उसके बाद में अजमेर के अंदर भी एक कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, इसके बाद में गर्ल्स कॉलेज भी है, अच्छा कॉलेज माना जाता है, काफी ज्यादा प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा कोई रिकॉर्ड नहीं है अब, लेकिन हाँ गर्ल्स के लिए काफी अच्छा है। उसके बाद में कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं, आपने जयपुर में देखा होगा, जैसा कि JCRC हो गया, SKIT हो गया, पूर्णिमा हो गया, आर्या हो गया, एंड बला 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 बला, प्राइवेट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजों में ऐसा नहीं है कि ये 4-5 ही कॉलेज है, और भी काफी सारे कॉलेज हैं, जैसे बीकानेर हो गया, भरतपुर हो गया, गंगानगर हो गया, श्रीमाधोपुर हो गया, सिक्कर हो गया, ठीक है, लॉट ऑफ कॉलेजेस हैं, लेकिन यार वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, आपको नौकरी भी चाहिए, आपको ट्रेनिंग भी चाहिए, इंटर्नशिप भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, रोड भी चाहिए, सड़कें भी चाहिए, खाना भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, प्रोफेसर भी चाहिए, सब कुछ भी चाहिए, ठीक है, स्पेशल हमको नौकरी चाहिए भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए, कंपनियां होनी भी चाहिए, कंप्यूटर साइंस करके ट्रेनिंग करने कहाँ जाऊँगा मैं, हाँ IT को जानता ही नहीं है, वेबसाइट डिजाइन करना इज नॉट ए ट्रेनिंग, ओके। तो एट डेट कंडीशन कुछ कॉलेजेस मैंने आपको बताए, 4-5 अच्छे ऐसे शहरों में जो कॉलेजेस हैं उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है, देन आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो अंडर आपकी अगर 500 आ रही है रीप के अंदर, देन आपको अलॉटमेंट होने के बहुत अच्छे अच्छे चांसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अदर देन जो बच्चे 12th बेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं, जिन बच्चों की परसेंटाइल 80 से कम है JEE मेन में, 75 से कम है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन आज के टाइम पर अगर देखें वो है पंजाब। देखिए यार राजस्थान से बहुत लगा हुआ है, आई फ्रॉम राजस्थान, एंड जब आई स्टडीड इन द यू नो आउट ऑफ राजस्थान, अच्छे NIT लेवल कॉलेज, IIT लेवल कॉलेज, बट
हमको भी बहुत ज्यादा बुरा लगा था उस टाइम पे, ठीक है, क्या राजस्थान छोड़ के जाएंगे क्या, यहाँ से जाना पड़ेगा। आपको भी ऐसा लगता होगा, पेरेंट्स बहुत सारे कॉल करते हैं भैया हाँ राजस्थान भी पड़ेगा, लोअर ब्रांच पड़ेगा, 5 साल बाद नौकरी मिलेगा। भाई मैकेनिकल में आज से 5 साल पहले जॉब नहीं थी एंड अभी के टाइम पे जॉब नहीं है, एंड आने वाले फ्यूचर के लिए आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे, अगर आपको 2 साल नौकरी मिल भी गई, 4 साल नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, 5 साल मिल जाएगी, 10 साल बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या फिर से पढ़ोगे क्या इंजीनियरिंग? अच्छा मैकेनिकल में जॉब खत्म होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर से पढ़ लूंगा, फिर से नौकरी मिलेगी, बीवी बच्चों को क्या खिलाओगे, फैमिली है आपका, घर है, भाई उम्र 30 साल हो चुकी है, 25 साल हो चुकी है, उस टाइम पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आज आप क्या डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। तो यार बेस्ट ऑप्शन जिन बच्चों के परसेंटाइल कम है, जैसे बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस है पंजाब स्टेट के अंदर, आप देख लो महाराष्ट्र में हो गया, गुजरात के अंदर हो गया, उत्तराखंड के अंदर हो गया, पंजाब के अंदर हम क्यों ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उधर कंपटीशन बहुत कम है। हमारे राजस्थान में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है इंजीनियरिंग, नीट, आर्मी, लेकिन उधर क्या है, उधर बच्चे कनाडा जा रहे हैं, 12th pass out कनाडा, डंकी मारो, हाँ। और क्या ऑप्शन है, गुजरात वाले अपना बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, जापान जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, उनके कॉलेजों में वैकेंट है सीटें, हमारे यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही यही है। उन लोगों के पास इंजीनियरिंग कॉलेज है वो लोग नहीं जाते, उनके कॉलेज खाली पड़े हैं, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप निकाल रही है 80% से ज्यादा आपके हैं, हाफ ट्यूशन फीस माफ, ठीक है। ऐसे कॉलेजेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग आपने देखी भी नहीं होगी, ऐसी गवर्नमेंट ने, जैसे आपने देखा होगा केजरीवाल की सरकार आई है, पूरा सब कुछ बदल रहे हैं वो लोग, टेक्नोलॉजी आ रही है, प्लेसमेंट हो रहा है, कंपनी आ रही है, बिल्डिंगें बन रही है, नहीं नहीं टेंशन मत लीजिए आप, आपके परसेंटाइल कम है, वी हैव द गुड ऑप्शंस फॉर यू। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल दलदल के अंदर फंस के रह जाओगे, यहाँ पे क्या करोगे भाई, हाँ हमारे पास तो पर डे बहुत सारे लोटो कॉल्स आते हैं, हाँ हम तो बोल देंगे भैया यहाँ पर ले लो, वहां पर ले लो, क्या करोगे, करोगे क्या यहाँ पे आप रखे, ठीक है। और भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आप लोअर ब्रांच भी पढ़ सकते हो, नौकरी के बाद में आप सोच लेना क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आप तो राजस्थान में रहना है। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं यार, अप्लाई नहीं कर पाए, अप्लाई किया ही नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस था भाई, 12th में बहुत अच्छे मार्क्स है, 10th में बहुत अच्छे मार्क्स है, लेकिन हमने जेई मेन नहीं दिया, एट डेट कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्रोच टू द वाइस चांसलर ऑफ द कॉलेज, डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज, एंड ऐसे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर आपकी दलील सुनी जाती है, आपका अगर जेन्युइन केस है देन आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, सीट अलॉटमेंट मिल जाता है। रीप का उससे कोई भी कनेक्शन नहीं है, रीप एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि सारे के सारे कॉलेजों के लिए काम करती है, एंड उसका काम है सिर्फ और सिर्फ कॉलेजों के एडमिशंस कंडक्ट करना, उनके रैंक के हिसाब से, उनकी रेपुटेशन के हिसाब से, बच्चों की चॉइस के हिसाब से कॉलेजों को बच्चे प्रोवाइड करना, रीप का कॉलेजों से कोई भी कनेक्शन नहीं है। आपका अगर कोई एक्सेप्शनल केसेस है, आपको लगता है कि यार आप केपेबल है, आप एमबीए में पढ़ने के लायक हैं, आपके 10th में इतने परसेंट है, आपके 12th में इतने परसेंट है, लेकिन एक जेन्युइन रीजन की वजह से, एक जेन्युइन केस की वजह से आपके नंबर कम आ गए, भाई जेई मेन में कम नंबर आए लेकिन आपके 12th में 90+ है, 80+ है, 10th में इतने नंबर है, देन एट दैट कंडीशन यू कैन अप्रोच टू द वाइस चांसलर, डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज। यू बिकॉज ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 2019 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जहां पे साफ साफ लिखा था कि यार बैंक की वजह से अगर बच्चे की सीट कैंसिल हो रही है देन आपको न्यू सीट क्रिएट करके बच्चे को देनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में जाके ये देश का प्रधानमंत्री बन जाए, और अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो यानी कि वो एक लॉ बन गया, वो एक नियम बन गया, वो एक कानून बन गया, ठीक है। तो उसके आधार पर आपको कैन हेल्प मिल सकता है, ठीक है। तो यू कैन गेट द हेल्प, अगर आपका कोई जेन्युइन केस है देन आप हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपके अगर नंबर कम है देन हम बैठे हैं हाँ आपकी हेल्प करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, आप कॉल कर सकते हैं, अपने नंबर बता सकते हैं, आपको बेस्ट चॉइसेस दी जाती है, आपको यार अच्छा लगता है कि यार इनका नॉलेज अच्छा है, पिछले 5-6 साल से लोग काम कर रहे हैं, अच्छे अलॉटमेंट दिला रहे हैं, बच्चे खुश है, रिव्यू अच्छे हैं, कॉलेज अच्छी है, गवर्नमेंट कॉलेज अच्छी है, देन आप हमारे पेड प्लान्स करते हैं उनमें एनरोल कर सकते हैं फॉर द इजी एंड स्मूथ एडमिशन प्रोसेस, वरना आप हमारा गाइडेंस भी ले सकते हैं, जो जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे चलते जाना। दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने डॉक्यूमेंट आप हमें दे सकते हैं, आपको ना चलना है ना कुछ करना है, बस आप बैठे रहो, हम चलेंगे आपके लिए, आपका सीट आएगा एंड यू कैन स्टार्ट योर स्टडी।